वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। और आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड एग्जांपल 11 से एग्जांपल 13। तो देखो एग्जांपल 11 आपसे कहता है, प्रूफ दैट का एग्जांपल है, कहता है बात प्रूफ करें साइन इनवर्स 12 बाय 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बाय 5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5। देखो इसमें कौन सी साइड लेंगे हम, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। पहले इन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर ले हम, टेन में कन्वर्ट कर ले क्या बच्चों, तो x लेट कर लोगे आप इसको साइन इनवर्स 12/13। तो यहां से देखो साइन x कितना आएगा आपका 12/13, ट्राइंगल बना लेंगे क्या, ये अगर x, ये 12, ये 13, तो ये कितना जाएगा आपका 5। तो यहां से देखो tan x कितना आया बच्चों 12/5, तो मैक्स क्या बोल सकते हैं, क्या आ गया आपका tan इनवर्स 12/5। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 12/5। फिर इसको क्या लेट कर लोगे आप, y, इसको क्या लेट कर लोगे आप y। देखो इसको हम ऐसा बोलते हैं क्या, cos y कितना है आपका 4/5। फिर से क्या बना लेंगे, ट्राइंगल, ये 4, ये 5, तो ये 3। तो यहां से देखो tan y कितना आएगा बच्चों 3/4। तो y कितना आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। तो देखो LHS कैसे रह गया आपका, अब LHS को अगर मैं लिखू तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बात सीखेंगे हम लोग, tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ते थे ऐसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इसके भी इक्वल होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y x माइनस 1 माइनस एक्स वाई। ये पाई कब आता है, जब आपका x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 1 हो, जब आपका x इंटू वाई क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो इन दोनों में जब आप फॉर्मूला लगाओगे, आपका x क्या है देखो 12/5 और y क्या है आपका 3/4, तो ये वैल्यू आएगी 36/20 और ये 1 से क्या आएगी आपकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो जब आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो जब इन दोनों में फॉर्मूला लगाए तो उसको ऐसे लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 1 माइनस 12 इंटू 3 अपॉन 20 और साथ में ये tan इनवर्स 63/16। यहाँ पे क्या ले ले ऊपर नीचे एलसीएम ले ले, देखो ये कितना जाएगा आपका 20 और ये कितना बचेगा आपका 63 बचेगा क्या, 20 ऊपर और नीचे क्या जाएगा आपका 20 माइनस 36 और साथ में क्या चल रहा है आपका tan इनवर्स 63/16। देखो 20 से 20 कैंसल, ये कितना आएगा बच्चों, देखो 63 और ये कितना जाएगा माइनस 16 और ये कितना जाएगा आपका tan इनवर्स 63/16। tan इनवर्स में अगर नेगेटिव अंदर होता तो नेगेटिव कहां जाता है बच्चों, बाहर आ जाता है क्या, तो जाएगा tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया आपके पास पाई। यही बात प्रूफ करनी थी क्या हमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो इस वाले क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला सीखा हमने, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब आप x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या हो आपका 1 से बड़ा। चले अगले क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी बार आ चुका है पेपर में। देखो 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म, 12th क्वेश्चन कौन सा है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, कहते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले tan इनवर्स ब्रैकेट में
ए कोस एक्स, फिर आपका माइनस बी साइन एक्स अपॉन ये आपका बी कोस एक्स और ये आपका माइनस प्लस ए साइन एक्स। तो देखो यहां पे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे बी कोस एक्स से। किससे डिवाइड करोगे बच्चों? बी कोस एक्स। तो यहां क्या बचेगा? ए बाय बी। यहां क्या बचेगा? टेन एक्स। हम देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं? बी कोस एक्स से कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां क्या बचेगा आपका? वन। यहां क्या बचेगा आपका? ए बाय बी टेन एक्स। यही वाली वैल्यूज बचेगी ना। तो देखो ये फॉर्मूला होता है क्या, मेरे को बताना ये इसका फॉर्मूला होता है क्या? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए बाय बी को मैं ऐसे लिख लू क्या? देखो अगर हमारा हो जैसे टेन इनवर्स ए ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसको ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, यही होता है। देखो इसको ना कंपेयर कराओ, यहाँ पे आपका एक्स क्या निकल के आ रहा है? ए बाय बी, और वाई क्या निकल के आ रहा है? टेन एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख लू क्या? टेन इनवर्स ए बाय बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स, ऐसे लिख ले। देखो ये तो ऐसे के ऐसा रहेगा, टेन इनवर्स ए बाय बी, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स। ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? इसको देखो इससे कंपेयर कराओ तो आपको मालूम चलेगा एक्स क्या है आपका? ए बाय बी, और वाई क्या है आपका? टेन एक्स। इसको हमने ऐसे लिख लिया। देखो ये वाला क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को? लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए हम। 13 क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल कहता है इफ टेन इनवर्स टू एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स किसके इक्वल है आपका? पाई बाय फोर। तो बताएं एक्स, क्या बताएं आप? एक्स बताएं। देखो इसमें फॉर्मूला लगा दे क्या फिर हम? टेन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स वन माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सिक्स एक्स स्क्वायर। ये कितना? पाई बाय फोर। टेन इनवर्स उधर दीजिए, यहाँ क्या जाएगा? फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टेन पाई बाय फोर। टेन पाई बाय फोर कितना होता है बच्चों? वन होता है क्या? फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वन। देखो इसको ऐसे लिख लो, फाइव एक्स इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी हमारी? सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इसके फैक्टर करेंगे हम तो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे क्या कॉमन है आपका? सिक्स एक्स, यहाँ क्या बचा? एक्स प्लस वन। यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले, क्या बचा? एक्स प्लस वन। तो देखो आपके क्या फैक्टर आ गए? सिक्स एक्स प्लस माइनस वन, और एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। एक बार ये वाली टर्म जीरो, एक बार ये वाली टर्म जीरो। जब ये वाली टर्म जीरो करेंगे हम, देखो सिक्स एक्स कितना आया? वन। एक्स कितना आ गया आपका? वन बाय सिक्स। जब इस वाली को जीरो करोगे आप तो देखो क्या आएगा आपका? एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स क्या आ गया? माइनस वन। देखो यहाँ पे जो आपका ये एक्स निकल के आया माइनस वन, ये क्या है आपका? रॉन्ग। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी? वन बाय सिक्स, क्योंकि माइनस वन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। बच्चों आज के क्वेश्चन समझ आया आप सबको, है ना? तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें।